तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है गेम्स फाइव के न्यू वीडियो में। इस वीडियो में खेले जा रहे हैं F122 माय टीम करियर मोड। और बाकी हमने पिछली वीडियो में सब कुछ सेलेक्ट कर दिया था, तो हमें अब कुछ सेलेक्ट करना है नहीं, सीधे ट्रैक पे चलना है। एंड फिर किस बात की देरी है, चलते हैं फिर सीधे ट्रैक पे, लेट्स गो। We had a major issue on the production line earlier this week, so the entire development package for the weekend has failed. Any redevelopments will need to be ordered from the R&D screen. तो यहाँ पे R&D में कुछ फेल हो गया, बहुत ज़्यादा फेल हो गया, कुछ इशू है यहाँ पे। ड्यूरेबिलिटी का गियर बॉक्स वाला कांड फेल हो गया है, ये देख सकते हो तुम लोग। एंड इसको वापस हम कर देते हैं ताकि नेक्स्ट रेस में हमें मिल जाए। और ये फील हो गया क्या? नहीं, ये अभी 4 डेज बाद मिलेगा। तो गाइस चेस में, हाँ अभी हमारे पास पॉइंट है तो इसको दे देते हैं, कम मिलेगा ये। ऑस्ट्रेलिया में ठीक 41% चांसेस हैं, दे देते हैं यार। एंड चलते हैं गाइस, गो टू द रेस वीकेंड, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं ट्रैक पे, पहली बार F122 में, पहली बार नहीं बट माय टीम का जनरल में पहली बार। एंड क्वालिफाइंग यहाँ पे चल रहा है, क्वालिफाइंग 1। एंड यहाँ पे ग्लिचेस तुम देख सकते हो एक, जो कि हमारा नंबर और स्पॉन्सर आगे वाले हट रहे हैं, तुम देख सकते हो वहाँ पे काफ़ी बार दिखाई पड़ेगा तुम्हें, दिक्कत मत करो, आराम से ध्यान दे के देखना। ये अलग ही ग्लिच है इस गेम में, एक मेरे स्पॉन्सर हट रहे हैं तो काफ़ी, ये देखो काफ़ी बेकार लगती फिर वो कार जब वो नंबर हट जाता वहाँ से। बट कोई बात नहीं, आई होप वो इशू सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी नया नया गेम है तो ये छोटा है इशू, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बट आई क्रॉस द लाइन नाउ एंड यहाँ पे देखते हैं कौन से पोजीशन पे आए हैं। ओह शिट, यहाँ पे 22वें नंबर पर आ गया, यानी कि लास्ट पोजिशन। और ये बहुत ही बुरी खबर है हमारी टीम के लिए, मेरे लिए खासतौर की, क्योंकि लास्ट पोजिशन पर हमारा ऑस्कर तो यहाँ पे 18वें नंबर पे है और 8-10 हम से आ गए। तो ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ, यानी कि इतनी बुरी कार नहीं थी जितनी हुई चली, बट इतनी बुरी है क्योंकि मुझे अभी तक समझ में आई नहीं है कार कि कैसे इसको क्या करना है, तो बहुत ही डिफरेंट है, तो बहुत कुछ सीखना है अभी। एंड चलते हैं गाइस फिर सीधे रेस में, लेट्स गो। नो मोर टेस्टिंग, no more practice, this is the real deal, and it's make or break here at round one of this year's Formula One World Championship. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36 mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities, and it could be a strategic race this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Charles Leclerc lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Perez, George Russell and Hamilton, Bottas, Fernando Alonso, Norris and Pierre Gasly, Ocon, Magnussen, Yuki Tsunoda and Mick Schumacher, Joe, Ricciardo, Sebastian Vettel and Oscar Piastri, Albon, Stroll, Latifi and Singh. And now it's time to head down to the track. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as once again we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Back row of the grid, not a great start to the season, so let's try and improve our position over the course of this Grand Prix. ऐसे घटे कार दोगे तो क्या ही तुम उम्मीद रखते हो मेरे से?
बट ठीक है, कार इतनी भी बुरी नहीं है कि लास्ट में खड़ी हो जाके। एंड कोई बात नहीं, पहली रेस ही है, पहले ही क्वालिफाइंग था, कोई बात नहीं, अभी रेस पूरी बाकी है, इम्प्रूवमेंट की पूरे पूरे चांस हैं। एंड अभी फॉर्मेशन लैप के लिए सारी कार जाती हुई, एंड गाइस यहाँ पे ना एक नया सिस्टम भी आया है फॉर्मेशन लैब में कि अब हम कार खुद ही ग्रिड पे खड़ी कर सकते हैं। पहले ऑटोमेटिक कार खड़ी हो जाती थी, वो भी ऑप्शन है कि ब्रॉडकास्ट कैमरा एंगल से हम अगर ब्रॉडकास्ट भी सेट करें तो अपनी आप खड़ी हो जाएगी, बट मैं नहीं, मेरे को मज़े देने हैं यार। और ये तुम देख सकते हो, मेरा पहला फर्स्ट टाइम था तो मैं पहले थोड़ी थोड़ी खड़ी कर रहा था, बट फाइनली हमने परफेक्ट खड़ी कर दी। और उसके बाद लाइट्स ऑन होती हुई, 3, 4 लाइट्स, 5 लाइट्स ऑन, नाइट स्टार होने बेबी को यहाँ पर लेक्लेस एंड वर्स्टापन का दोनों अच्छा स्टार्ट हुआ, दोनों का अच्छा स्टार्ट है, काफ़ी अच्छा स्टार्ट यहाँ पर लेक्लेस का, यहाँ पे स्विफ्ट टीम लेते हुए यहाँ पे डेफिनेटली मैक्स वर्स्टापन को यहाँ देते हुए अपने आप ही आगे आगे उनके सामने। यहाँ पे आउटसाइड से यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ पे लेक्लेस के ऊपर, एंड यहाँ पे डेफिनेटली 10-2 यहाँ पे इनसाइड में होंगे मैक्स वर्स्टापन एंड मैक्स वर्स्टापन यहाँ पे लीड करते हुए, लेकिन यहाँ पे चार्ल्स लेक्लेस यहाँ पे वापस आते हुए, लेकिन नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टार्ट यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन का और इस रेस को लीड करते हुए। यहाँ पर इसका स्टार्ट देखो तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट्स ऑफ होने बेबी को यहाँ पे उन्होंने भी किया, एंड कैसे विलियम्स यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंज करते हुए विलियम्स को, एंड डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी उनके आगे कोई कार नहीं यहाँ पे और बाकी सारी कार्स अपने आगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे शुरुआत में फर्स्ट टर्न पे यहाँ पे पीछे के एक दो कार पीछे को छोड़ने का यहाँ पे मौका चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली वाइट जाते हुए यहाँ पे दो यहाँ पे मिक्लेरेंस यहाँ पे लटीफी जिसे यहाँ पे फाइट करते हुए और पुश करते हुए यहाँ पे लटीफी, काफ़ी अच्छी है ये इस साल की, तो ये काफ़ी मतलब एक दूसरे को कार पुश करती हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को देख के। एंड जैसा पिछले साल होता तो काफ़ी मजा आता, लेकिन यहाँ पर विलियम्स से यहाँ पर काफ़ी क्लोज फाइट होती है यहाँ पे डेफिनेटली लेटीफी के साथ, एंड बिल्कुल यहाँ पे फाइनली यहाँ पे हमने पीछे छोड़ दिया है एल्बोन लेटीफी को, दोनों विलियम्स ड्राइवर को स्टॉल एंड ज्ञानु जो यहाँ पे आगे चलते हुए यहाँ पे स्टॉल, काफ़ी अच्छी लेट ब्रेक, एंड यहाँ पर दो कार्स यहाँ पे एक साथ यहाँ पे ओवरटेक कर दिए हैं स्टॉल ने, वाओ अमेजिंग यहाँ पे ओवरटेक यहाँ पे स्टॉल के द्वारा बड़े, यहाँ पे डेफिनेटली वापस यहाँ पे एल्बोन चैलेंज करते हुए ज्ञानु जो यहाँ पे हमारे आगे थे डेफिनेटली यहाँ पे बच के यहाँ पे अवॉइड किया यहाँ पे कॉन्टैक्ट रितेश ने, एंड बच गए, एक क्रैश हो सकता था यहाँ पे और बिल्कुल आटे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे अल्फा रोमियो यानी कि ज्ञानु जो कि कार, क्योंकि स्ट्रेट पे हमारी सेम दिक्कत मुझे क्यों लग रहा है कि हम वापस स्लो हैं अभी तक। ओ यहाँ पे वाइट जाते हुए, वाइट जाते हुए यहाँ पे 10-11 पे जो कि फ्लैट राइट हैंडर है, काफ़ी बढ़िया टर्न है वो, काफ़ी मज़ा आता है उस पर टर्न करने में, बट यहाँ पे डेफिनेटली ज्ञानु जो यहाँ पे फिर ऑस्कर को यहाँ पे डेफिनेटली चैलेंज करते हुए यहाँ पे आगे जाते हुए बड़ा आराम से, लेकिन यहाँ पे ऑस्कर यहाँ पे वापस आते हुए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट हुआ मेरे से यहाँ पे डेफिनेटली इतना अच्छा यहाँ पे एक एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पे ज्ञानु जो का, एंड यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रितेश चैलेंज करते हुए यहाँ पे, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था काफ़ी बेकार यहाँ पे हमारी स्पीड लाइन है, स्ट्रेट स्पीड लाइन, और तुम देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे अल्फा रोमियो की स्पीड लाइन है कि यहाँ पे डेफिनेटली दोनों यहाँ पे फाइट करते हैं, उस मौका को फायदा उठाते हैं यहाँ पर इन साइड में यहाँ पे 10-1 पे, लेकिन 10-2 पे यहाँ पे दोनों होंगे इन साइड में, तो यहाँ पे ज्ञानु यहाँ पे आके निकल के ऑस्कर यहाँ पे वापस आके आते निकल के यहाँ पे शिफ्टिंग यहाँ पे फिर आस्ती से लेते हुए यहाँ पे रितेश डेफिनेटली इन साइड में मूव किया है, क्या यहाँ पे 10-3 पे यहाँ पे आगे निकल पाएंगे रितेश अपने टीम मेट से चैलेंज करते हैं यहाँ पे अपने टीम मेट को हाफ कलन पीछे है, लेकिन बेहतरीन एग्जिट और उसके साथ ही यहाँ पे आगे निकलते हुए अपने टीम मेट से ऑस्कर से, और अब नेक्स्ट टारगेट है ज्ञानु जो, लेकिन देखना है जिस तरीके से उनकी स्पीड है तो इतना आसान होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन बहुत तगड़ी स्पीड है यार, मैं तो बिल्कुल बराबर में था जस्ट, एंड उसके बाद तुम देख सकते हो उसके बाद मेरे को पीछे किया उसने, फिर वो आगे चला गया ऑस्कर के भी साथ में आ गया बराबर में आ गया, तो काफ़ी तगड़ी स्पीड लाइन है हमारी, काफ़ी घटिया स्पीड लाइन है ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो अगले की बात है, लेकिन यहाँ पे ओ यहाँ पे विलियम्स मेक्स ए मिस्टेक, लेटीफी जी ने मैं गलती करी और फिर पीछे से आया था एल्बोन और दोनों विलियम्स का कांटेक्ट हुआ, और ये विलियम्स के लिए काफ़ी बेकार बात है, एंड यहाँ पर उसका हमारे पीछे चल रहे हैं 1.8 सेकेंड, यहाँ पे ज्ञानु जो हमारे आगे चल रहे हैं, यहाँ पे 1.4 सेकेंड आ गया, हम कम कर रहे हैं टाइम, बट भाई ये सारा स्ट्रेट लाइन में टाइम चला जा रहा है और ये प्रॉब्लम इस साल की नहीं है, ये हमेशा से रही है मेरे साथ, हमारी स्ट्रेट लाइन स्पीड हमेशा प्रॉब्लम रही है, पता नहीं क्यों हमेशा ही से, ये सर वो गेम अपने आप ही देता ही नहीं हमें स्पीड, ये तो इंजन ही बहुत बढ़िया लगाया हमने रेनॉल्ट का जिसकी स्पीड ही नहीं है मेरे ख्याल से,
कुछ ज़्यादा नहीं, फरारी का इंजन है ना तो उसमें तो बहुत तगड़ी है फरारी का इंजन, बट इतना अंतर होगा ये मैंने नहीं सोचा। लेकिन यहाँ पे हैमिल्टन एंड यहाँ पे एलोंसो यहाँ पे फाइट करते हो, यहाँ पे मेकर्स फोर्थ पोजीशन के लिए, नहीं सॉरी थर्ड पोजीशन के लिए, यहाँ पे डीआरएस यहाँ पे टर्न टू पे, यहाँ पे आउटसाइड में यहाँ पे हैमिल्टन यहाँ पे डेफिनेटली चैलेंज करते हैं यहाँ पे हैमिल्टन एलोंसो को, एंड क्या ही एग्जिट यहाँ पे हैमिल्टन की तरह एंड ओवरटेक कर ले यहाँ पे फर्नांडो एलोंसो को और आ गया थर्ड पोजीशन पे हैमिल्टन, एंड अब उनके पीछे एलोंसो के पीछे जॉर्ज रसेल, यहाँ पे दूरी होते जा रहे हैं यहाँ पे जो हमसे 3 सेकेंड्स पूरे यहाँ पे आगे निकल चुके हैं 12वें लैप में, और बस धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है, हम पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम जब पास पहुंचते हैं तो डेफिनेटली तुम लोग देख सकते हो कितने तेज़ी के साथ यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। और यहाँ पे मैग्नेशन एंड बोटास यहाँ पे स्पीड में, एंड तुम लोग देख सकते हो जब हमने ये स्टेट चालू करा था तो हम 3 सेकेंड पूछे थे, स्टेट ख़त्म किया है तो 4/10 यहाँ पे स्लो है हम ये एक स्टेट पे, तो सिर्फ स्टेट की कहानी है ये, स्टेट की कितनी बेकार है हमारी स्पीड लाइन, स्टेट स्पीड लाइन बहुत ही बेकार। हो सर्जियो पेरेज़ के इंजन से यहाँ पे मैकेनिकल फेलियर होने की पूरी समाचार दिखते हुए, एंड बिल्कुल यहाँ पे बाहर हो चुके हैं यहाँ पे सर्जियो पेरेज़ इस रेस से, जैसे कि रियल में भी होते बहरेन ग्रैंड प्री में फर्स्ट रेस में बिल्कुल सेम उसी तरीके से, उसमें ऐसे धुआं नहीं निकला था बट दोनों रेड बुल्स यहाँ पे फेल हो गई थी, एक इंजन फ्यूल पंप शायद था ना, मेरे को याद इतना याद आता, बट एक रेड बुल तो यहाँ पे बाहर हो चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या सेकंड रेड बुल में भी वही सेंट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हमें कि नहीं, तो वहाँ पे हमें आ रहा क्या फायदा हो रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा वैसे ही। यहाँ पे बिल्कुल पीड एक्सिट पर रोक देते हैं जाके, तुम सेफ्टी करा देते आ जाती, गलत जगह रोक दी, एंड फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पीड स्टॉप में, पिट स्टॉप तो काफ़ी और एक ये देख सकते हो यहाँ पे, अब पिट स्टॉप में भी हमें एक ही बटन बस में दबाना, तो इसमें हमें कोई कार को टर्न नहीं करना, सिर्फ बटन दबाना है। और यहाँ पे एक मेरे को दिक्कत थी, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन लाइट नहीं थी मेरे आगे, तो मेरे को काफ़ी कंफ्यूजन हुई कि कैसे चलाऊँ, मतलब डेफिनेटली पिछले गेम में एक ग्रीन एंड रेड लाइट रहती है जो कि हर पिट स्टॉप में होती हैं हर टीम के पास, लेकिन अभी तुमने नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकते हो कि यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, तो मेरे को कैसे आइडिया हुआ कि मेरे को कब क्लच छोड़ना है, डेफिनेटली मैं लेट ही रिएक्शन करूँगा ना उस पर, ये काफ़ी बेकार लगा मेरे को, इतने पैसे नहीं है सारे टीम वालों के पास, एक रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट लगा सकते हैं वहाँ पे, मुझे लगा भी रखी हुई पता नहीं कौन से एंगल में लगा रखी है, यहाँ पे देख सकते हो तुम टायर यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही यहाँ पे इशू रहता है, इससे रियल लाइफ में तो है ही वो, एंड ये गेम में भी बिल्कुल रियलिटी के साथ हमें वही दिया गया है, एंड यहाँ पे ओवरटेक करने वाले थे यहाँ पे कार्लोस सेंस यहाँ पे ज्ञान जो को, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, बट यहाँ पे स्टॉप पता नहीं क्यों कर दी उन्होंने, कॉन्टैक्ट होने के चांसेस इसलिए उन्होंने ब्रेक किया, बट उसकी बिल्कुल ही स्लो कर दी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे काफ़ी आसानी से आगे आ चुके हैं। एंड मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था तो तुम देख सकते हो पहले वाले पिछले गेम्स में बिल्कुल जब हम निकलते पिट स्टॉप के साथ तो बिल्कुल सही रहते थे टेम्परेचर, बट इस पर ऐसा नहीं है, हमें कूल डाउन मिलते हैं एकदम टायर्स, और हमें डेफिनेटली उनको बैलेंस करना पड़ता है जब तक वो अपने सेफ पोजिशन या फिर जो कि उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है अच्छी स्पीड के लिए उस पर नहीं पहुँच जाता है। तो ऑस्कर यहाँ पे फील्ड में जा चुके हैं और ये थोड़ा सा जल्दी चले गए, मेरे को लग रहा है कि वो हम पीछे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे और यार यहाँ पे वाइड ये थोड़ा सा अभी है दिक्कत कि उतना तुम दे सकते समझ सकते, थोड़ा सा अगर भी गलती हो जाती है यहाँ पे अभी इतनी परफेक्ट है नहीं क्योंकि अब वो थोड़ी आदत रहती है पिछली बार, लेकिन यहाँ पे ऑस्कर यहाँ पे पार आते हो यहाँ पे डेफिनेटली पिट स्टॉप से लेके यहाँ पे आउटसाइड से यहाँ पे टर्न किया और ओवरटेक कर लिया, फाइनली यहाँ पे ओवरटेक कर लिया, नहीं तो मेरे को लगा था कि ऑस्कर यहाँ पे आगे निकल जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट यहाँ पे इतने ही पीछे है नहीं, 3 लेंथ यहाँ पे पीछे हैं, डेफिनेटली मेरे DRS है कि नहीं हमारे पास DRS है, दिक्कत वक्त की बात है नहीं, इसलिए हम बच गए, बट हमें पीछे करना होगा पियास्त्री को क्योंकि खतरनाक ड्राइवर है यार, वो क्वालिफाइंग में हमसे आगे था वो 1/10, इतना आसान है नहीं उसको हुई, बट यहाँ पे आराम से पिछ हो गए हैं बड़ा आराम से, कूल और ठंडे हैं ना उनके टायर तो टेम्परेचर में आया नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंज यहाँ पे डेफिनेटली ऑस्कर को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया, इन साइड में होंगे यहाँ पे कार्लोस सेंस तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे बड़े आराम से पीछे छोड़ दिया यहाँ पे सेंस ने, न्यू फरारी है तो बड़े आराम से, जब यहाँ पे अल्फा रोमियो हमें इस तरह से पीछे छोड़ सकती है तो फरारी तो पलट झपक से छोड़ देगी, जिसमें कोई सरप्राइज वाली बात भी नहीं थी, बड़े यहाँ पर चेंज इतनी देर से हमें पीछे ही चलना है।
17 लैप हो चुके हैं, 17 नंबर पे ही हैं। पहले लैप में उन्होंने पिट्स कराई थी क्योंकि कुछ डैमेज हो गया था, तो पता नहीं चेंज भी क्या ही कर रहे हैं। वो ब्रेक ही मार देते खुद ही, जबकि मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। और यहाँ पे चेंज हमारे जस्ट पीछे आ रहे हैं धीरे धीरे पास आते हुए। फिलहाल अगले स्टेट में बिल्कुल पूरे चांस हैं कि हमें वो टेक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 5/10 ही पीछे हैं। और जिस तरीके से फरारी है उस तरीके से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं हमारी कार के सामने उनको चेंज को, बट हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि जितना रोक सके उतना रोकें, क्योंकि हमें 4/10, 3/10 काफ़ी तेज़ी के साथ हमारे पास आते हुए। कॉर्नर स्पीड हमारी हमेशा की तरह अच्छी है, पर स्ट्रेट लाइन हमारे हमेशा के लिए बहुत बुरी है। इस साल मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा बुरी, इतनी बुरी तो कभी नहीं रही थी पिछले साल। एंड डेफिनेटली DRS यहाँ पे कार तो चेंजिंग पास का बड़ी आसानी से यहाँ पे आ जाते हुए, क्योंकि DRS भी है तो बड़ा आराम से यहाँ पे आगे जाते हुए। लेकिन यहाँ पे लेट ब्रेकिंग करते हुए इनसाइड लाइन में 10/1 पे काफी वाइड यहाँ पे जाते हुए तेज, लेकिन यहाँ पे कार्लो चेंज को यहाँ पे डिफेंड कर लिया है, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वापस DRS हो गया पे कार्लो चेंज के पास, जी नहीं यहाँ पे DRS है यहाँ पे तेज के पास, क्योंकि मैं कहीं से वो पीछे हो गए थे डिटेक्ट जोन में जब पीछे थे, तो इस वजह से यहाँ पे DRS मिला। लेकिन यहाँ फिर भी देख सकते हो तो फरारी की पावर बराबर में तो आ ही गए थे, लेकिन इनसाइड होने की इनसाइड में थे यहाँ पे डिफेंड कर लिया यहाँ पे चेंज को और बच गए यहाँ पे पीछे होने से यहाँ पे चेंज से। एंड इतनी अभी भी आसान ये कहानी खत्म हुई है नहीं, क्योंकि बिल्कुल जस्ट हमारे पीछे हैं एक मिस्टेक, तो बिल्कुल वो मौका छोड़ेंगे नहीं चेंज अपना। थोड़ा सा फर्स्ट एड होता है यहाँ पे चेंज हो जाए। फिलहाल यहाँ पे ट्राई कर दो वापस इनसाइड में कॉन्टैक्ट में गया से वापस, लेकिन यहाँ पे फिर से इनसाइड में थे यहाँ पे, लेकिन कार्लो से लेकिन वो ऐसा टर्न है कि वो उतना अच्छा इतनी ढंग से आपको आउटसाइड में कर जाता अच्छा रहेगा इनसाइड की जगह, क्योंकि बिल्कुल आपके लिए जगह चाहिए होती। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पे चेंज आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे डिफेंड किया कार को अपनी और थोड़ा सा फाइट गया, बट उतना नहीं कि ज़्यादा फाइट चले गया, जिस वजह से कोई एडवांटेज नहीं छूटी। और यहाँ पे चेंज 7/10 पीछे हैं हमसे अभी, तो क्या नेक्स्ट स्टेट में ये हमारे लिए मदद कर सकता है 7/10 पीछे होना उनका, क्योंकि ज़्यादा लंबा उनको गेन करना पड़ेगा हमें स्टेट में, तो हमारे पचास रह सकता है एक और बार डिफेंड करने का। पर यहाँ पे चेंज पिट में जाते हुए आई थिंक जो वहाँ पे 10/9 पे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हुआ 10/10 पे मेरे कहा था फ्रंट विंग टूटा है, बट इसमें इतना फर्क पड़ता है नहीं, एंड प्लेट में वो टूटी हुई दिखाई पड़ी नहीं डैमेज में ही। हाँ पिछले गेम में ऐसा जरूर होता था कि डैमेज भी हो जाती थी तो बहुत असर पड़ता था, बट इस गेम में इतना असर नहीं पड़ता है जितना मेरे को सुनने में आया है, क्योंकि मेरी अभी तक टूटी है नहीं तो मेरे को नहीं पता। बट डेफिनेटली मेरे जो फ्रेंड्स हैं एंड बाकी सब जो यूट्यूबर्स हैं उनका जितना मैंने सुना है कि इतना नहीं दिखता। तुम लोगों ने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स देखी होगी, उसमें पूरी एंड प्लेट चली गई थी लकलेस की जब भी वो लड़ रहा था, लेकिन हमें नॉरिस एंड यहाँ पे उसको लाइड करते हुए यहाँ पे, लेकिन कॉन्टैक्ट वापस से नॉरिस एंड ऑस्कर का यहाँ पे, नॉरिस ने पीछे से जाके ठोक दी और ओवरटेक करना चाहते थे, आउटसाइड में जाना चाहते थे, लेकिन मेकर से जगह मिली नहीं। लेकिन यहाँ पे लकलेस एंड वर्स्टापन लकलेस यहाँ पे धीरे धीरे वर्स्टापन के पास पहुँच रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे काफ़ी लैप्स हैं कि वो पीछे कर सकते हैं, जिससे मेरे कैसे हाँ उनके पास DRS रेंज भी तो है तो आराम से मेरे कैसे पीछे कर सकते हैं, अभी भी उनके पास सॉफ्ट लैप हैं। बट यहाँ पे हमारे आगे जो चल रहे हैं जो जी, ये खबर आई है मेरे पास हमारे इंजीनियर की तरफ से कि उनकी कार में कुछ इशू है, और जिसकी वजह से हम उनको गेन करना अब शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे हम उनके पास पहुँच रहे हैं, तुम तो दे सकते हो, तो ये हमारे लिए अच्छी खबर कि उनकी कार में कुछ प्रॉब्लम। एंड डेफिनेटली 1.3 सेकेंड्स पीछे हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं उनके पास, 25 लैप यहाँ पर चल हो चुका है। ऑस्कर हमारा साथ ही हैं बट पीछे हैं काफ़ी, 6 सेकेंड्स पीछे हैं, बट इशू है फिर भी सभी को देखो कितना अच्छे से गेन कर लेता है स्पीड स्टेट में अपनी। ये कार काफ़ी अच्छी है चलाने में, काफ़ी अच्छी है मतलब, बट वो थोड़ा सा आपको टर्न वाली पोजीशन वो सब आपको वादा डालनी पड़ेगी कि कितना क्या करना है, अभी उतनी हिसाब से हुई नहीं है। एग्जिट काफ़ी अच्छे होते हैं जब आप जैसे तुम लोग देखो तो कोई किसी पे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हम पास आ चुके हैं यहाँ पे जो कि डेफिनेटली यहाँ पे 2/10 पीछे ही हैं हम, तो DRS यहाँ पे मिल जाएगा तो हमें कैसे कोई दिक्कत होने हाया भी है नहीं, ये हो भी सकती है इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बेकार एग्जिट किया डेफिनेटली मेरे कैसे बेकार एग्जिट किया। बट यहाँ पे DRS यहाँ पे स्लिप स्ट्रीम भी यहाँ पे मिलेगी डेफिनेटली, यहाँ पे चेंजिंग करते हुए गेनिंग करते हुए गेनिंग एंड क्या ही अच्छी स्पीड है यार अल्फा रोमियो की, बहुत ही अच्छी स्पीड है अल्फा इंजन की। बट यहाँ पे फाइनली काफ़ी डीप गए
टर्न वन पे बढ़ते हुए ओवरटेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे बढ़ जाते हुए टर्न टू के बाद यहाँ पे डिवाइड जाते हुए एंड यहाँ पे फिर से यहाँ पे पीछे कर दिया यहाँ पे कर्ण जो ने, लेकिन यहाँ पे रितेश पाटिया से तो यहाँ पे क्या वापस यहाँ पे रितेश से ओवरटेक कर पाएंगे जी यहाँ पे टर्न वन में साइड लाइन एंड फिर से यहाँ पे ओवरटेक कर दिया यहाँ पे रितेश ने फाइनली मेगा इस बार जी हाँ ओवरटेक कर दिया, लेकिन अभी भी कर्ण जो हमारे जस्ट पीछे हैं टू टेंथ, तो यहाँ पे एक और गलती और फिर से हम उनको गिफ्ट दे सकते हैं अपनी तरफ से अगर हमने कोई गलती करी, और वो गिफ्ट बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करते हैं जैसे कि उन्होंने किया, बट इस बार नहीं, सिक्स टेंथ फाइनली पीछे हो चुके हैं और इशू है तो डेफिनेटली वो पीछे ही होते जाएंगे, और काफ़ी अच्छी फाइट वहाँ पे हुई टर्न वन से लेके यहाँ पे मिस्टेक करते हुए वहाँ पे ज्ञान जो, और अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अब तो बहुत पीछे हो गए हैं। और यहाँ पे कार्लोस सेंज ऑस्कर के पीछे एक और बार, इस बार DRS है, पहले भी DRS था बट इस बार कोई दिक्कत नहीं, और पहले भी दिक्कत नहीं तो उसको पीछे छोड़ने में हमें दिक्कत हमारे हमें हमको पीछे छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत हुई थी उनको, बट इस बार तो एक ही लैप बचा है अब तो, इसके बाद तो काफ़ी पीछे हैं अभी तो हमसे 6 सेकंड पीछे हैं एंड यहाँ पे चार लाख एंड बस स्टॉप यहाँ पे फर्स्ट के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं पोजीशन फर्स्ट के लिए यहाँ पे फाइट चल रही है, फाइनल लैप उन लोगों को चल रहा है लेकिन लेक्लेयर्स नहीं कर पाए हैं अभी तक तो एक ही स्टेट बचाने के बाद, लेकिन यहाँ पे कई बेहतरीन यहाँ पे ओवरटेक आउट साइड यहाँ पे ट्राई करेंगे हाफ का लेन नहीं यहाँ पे व्हील टू व्हील यहाँ पे डेफिनेटली क्या जो एंड यहाँ पे करो चेंज यहाँ पे, लेकिन वाओ क्या ही बेहतरीन ओवरटेक यहाँ पे आउट साइड लेन से टर्न 11 पे और बेहतरीन ओवरटेक वहाँ पे कार्लोस सेंज के द्वारा। और यहाँ पे गाइस फाइनल लैप स्टार्ट हो चुका है 5.6 सेकंड यहाँ पे पीछे हमसे क्या चेंज तो दिक्कत वाली बात है नहीं, बट ये मैक्स वर्स्टापन यहाँ पे पहली रेस इस एरा की जीतते हुए मैक्स वर्स्टापन विंस इन बहरीन ग्रैंड प्री। दैट वाज गुड गाइस, रेड बुल के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर, पहली रेस इस एरा जीत ली है, न्यू एरा की शुरुआत मैक्स वर्स्टापन की विन के साथ, और हम 13 पे टर्न हो चुके हैं, दो ही कॉर्नर्स से दो टर्न्स बचे हैं सिर्फ हमारे लिए 15 प्लेस पे, ठीक है हमने गेन अच्छा किया है बट पॉइंट्स में नहीं आए हैं और पॉइंट्स वाली कार मुझे दिख भी नहीं रही है अभी, तीन चार तो मैं बहुत ही कम बोल रहा हूँ बट बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी इस कार में, बहुत कुछ काम करना पड़ेगा अपनी ड्राइविंग पे भी मुझे काम करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली क्योंकि इस कार के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी मुझे, और डेफिनेटली इस कार को भी बेहतर बनाने की बहुत ज़रूरत है अभी, तो टाइम रोड है यहाँ पे केविन मैग्नसन है जिन्हों का कम बैक हुआ था इस साल, और यहाँ पे रेड बुल बहुत खुश है। Well, Anthony Davidson, a resounding victory today, but what set them apart from the rest? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. तो गाइस यहाँ पे मैक्स वर्स्टापन ने इस रेस को जीता, सेकंड पे चार्ल्स लेक्लेयर का लुईस हैमिल्टन, थर्ड पे यहाँ पे फास्टेस्ट लैप मैक्स वर्स्टापन के पास रहा, हम आए 15th नंबर पे, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट जो जिस पोजीशन पे हम थे, सर्जियो पेरेज यहाँ पे सिर्फ इस रेस में बाहर हुआ, ऑस्कर यहाँ पे सिर्फ उसी पोजीशन पर रहे जहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने अपनी रेस को, एंड स्टैंडिंग्स पे देखे तो यहाँ पे वही सेम टॉप 10 रहेंगे ड्राइवर जो कि आए हैं, तो पहली रेस में तो कुछ चेंज होता है नहीं, तो यहाँ पे टीम्स में बस चेंज हो सकता है, मर्सिडीज़ यहाँ पे फर्स्ट पे है, सेकंड पे यहाँ पे रेड बुल है, थर्ड पे यहाँ पे फरारी है, फोर्थ पे यहाँ पे अल्फिन है, फिफ्थ पे अल्फा रोमियो, सिक्स्थ पे हास से सेवंथ पे और अल्फा तौरी, मैक्लेरन ओशन मार्टिन गेंज में फायर रेसिंग विलियम्स के पास पॉइंट्स नहीं अभी पहली रेस में, एंड डेफिनेटली गाइस यहाँ पे
काफ़ी हमें जैसे कि मैंने बोला इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर हमें पॉइंट चाहिए आगे जाके, और बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। बट आई होप गाइस तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। पहली रेस थी, न्यू एरा की शुरुआत थी इस पहली रेस के साथ, और देखते हैं कितनी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट अभी करनी है, बट बहुत सारी अच्छी रेसें अभी आने बाकी हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर दो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, एंड कमेंट के बताओ कि कौन सा ओवरटेक, कौन सा मूव तुम्हें अच्छा लगा, और सजेशन दे सकते हो तुम अपनी इस कार को बेटर करने में कि क्या अपग्रेड्स कर सकते हैं। एंड बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।